आइए क्लास 12th हिंदी में कहानी क्रम में तीसरी कहानी पढ़ते हैं, जिसका नाम है बहादुर, जो सामान्य एवं साहित्यिक हिंदी दोनों के लिए है। यह बहादुर कहानी जो है अमरकांत द्वारा लिखी गई है। बहादुर कहानी अमरकांत जी द्वारा लिखित आधुनिक भारत के एक छोटे से परिवार के परिवेश की है। बहादुर जो एक नेपाल का 12-13 साल का लड़का है, जो इस कहानी का मुख्य नायक है, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद माँ की पिटाई से परेशान होकर के घर से भाग करके मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने चला जाता है, और उस बहादुर की ईमानदारी और उस परिवार में माने ईमानदारी से बहादुर उस परिवार में काम करता है। उसकी गृह स्वामिनी जो है उसका नाम निर्मला है, वो बहुत उससे खुश रहती है और निर्मला उसका नाम बहादुर रखती है। उसके पहले उसका दिलशेर बहादुर नाम रहता है, तो उसके नाम से दिलशेर हटा करके केवल उसे बहादुर कहती है। बहादुर उसके उसके हर काम में हाथ बटाता है, और धीरे धीरे रहते रहते जब बहुत समय साथ में रहने लगते हैं तो व्यक्ति के अंदर कमियाँ दिखाई देने लगती हैं, और निर्मला के बच्चे भी बड़े बड़े रहते हैं। हर बात पे बहादुर को मारना, उस पे दोषारोपण करना, इसको लेकर के वो खिन्न हो जाता है, और खिन्न होकर के घर छोड़ करके चला जाता है। तो आइए इस कहानी को क्रम से इस प्रकार देखते हैं। इसका परिचय देखते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कथाकार अमरकांत द्वारा रचित कहानी बहादुर एक आत्मकथात्मक समस्या प्रधान कहानी है, जो मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का एक पात्र एवं सूत्रधार बताया है। कहानी की कथावस्तु या सारांश इस प्रकार है। दिल बहादुर से बहादुर बनने की प्रक्रिया। दिल बहादुर लगभग 12-13 साल का एक पहाड़ी नेपाली लड़का है, जिसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो चुकी रहती है। उसकी माँ बहुत क्रोधी स्वभाव की है। माँ की पिटाई के कारण वह घर से भागकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर बन जाता है, जहाँ गृह स्वामिनी निर्मला बड़ी उदारता से उसके नाम से दिल शब्द हटाकर केवल उसे बहादुर कहकर पुकारती है। अब स्वतंत्र दिल बहादुर नौकर बहादुर बन जाता है, और बहादुर का इसमें वर्णन किया गया कैसा है, परिश्रमी एवं हसमुख बहादुर। बहादुर अत्यंत परिश्रमी लड़का है, जो अपनी मेहनत से पूरे घर को न केवल स्वच्छ रखता है, बल्कि घर के सभी सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। उसके आने से परिवार के सभी सदस्य बड़े ही आराम तलवी, कामचोर, आलसी बन जाते हैं। पूरे घर का काम करने के पश्चात भी वह हंसता ही रहता है। हंसना और हंसाना मानो उसकी आदत बन गई थी। वह रात में सोते समय कोई न कोई गीत अवश्य गुनगुनाता है। फिर आगे है जो लेखक का लड़का किशोर है, किशोर की आचरणहीनता। लेखक और निर्मला का लड़का किशोर एक बिगड़ा हुआ लड़का था, जो शानो शौकत एवं रौब दाब से रहना चाहता था। उसने अपने सारे काम बहादुर पर डाल दिए थे। यदि बहादुर उसके काम में थोड़ी सी लापरवाही करता तो वह बहादुर को गालियां देता, छोटी छोटी गलतियों पर पीटता भी था। बहादुर पिटाई खाकर एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता और कुछ देर बाद पूर्ववत घर के कामों में लग जाता। एक दिन किशोर ने उसे सुअर का बच्चा कह दिया। उसे बहादुर के स्वाभिमान को ठेस पहुँची। वह रोता हुआ लेखक से किशोर की शिकायत करता। फिर अगला एक घटना होता है जिससे बहादुर को बहुत ठेस पहुंचती है। निर्मला के रिश्तेदारों द्वारा चोरी का आरोप लगाना। समय के साथ निर्मला के आचरण में भी परिवर्तन आने लगा। अब उसने भी बहादुर के लिए रोटियां बनाना बंद कर दिया। वह भी बहादुर को पीटने लगी थी, गालियां देने लगी थी, जिस कारण बहादुर से गलतियां और भूलें अधिक होने लगीं। एक दिन निर्मला के घर उसके रिश्तेदार अपने परिवार सहित आए। चाय, नाश्ते और बातचीत के बीच अचानक रिश्तेदार की पत्नी ने
अपने 11 रुपये खो जाने की बात कही। सभी ने बहादुर पर ही शक किया। बहादुर के लगातार न कहने के बाद भी उसे डराया, धमकाया एवं पीटा गया। चूँकि बहादुर पर लगा आरोप झूठा था, इसलिए वह लगातार इससे इनकार कर रहा था। अंत में उसे लेखक ने भी पीटा। बहादुर के प्रति घर वालों की कटुतापूर्ण व्यवहार। इस घटना के बाद से घर के सभी सदस्य बहादुर को संदेह की दृष्टि से देखने लगे और मैं हर बात पे उसे उसके ऊपर शक करने लगे और उसे बहुत बुरी बुरी तरह दुखारने लगे। बहादुर भी बहुत ही दुखी और बेचैन रहने लगा। वह अब अपने लिए बड़ी बेचैनी और बंधन का अनुभव करने लगा। जो पहले बहुत खुश रहता था, अब वो बेचैनी और बंधन का अनुभव करने लगा। फिर अंत में क्या हुआ, एक और घटना होती है जिसे बहादुर घर छोड़ के भाग जाता है। देखिए क्या होता है, बहादुर का घर से भाग जाना। एक दिन बहादुर के हाथ से सिल छूटकर गिर गई और 2 टुकड़े हो गए। बहादुर के डर, पिटाई के डर से तथा लोगों के क्रूर एवं असभ्य व्यवहार से तंग आकर वह अपना सारा सामान घर में ही छोड़कर कहीं चला गया। वह अपना भी कोई सामान लेकर नहीं गया। निर्मला, उसके पति एवं किशोर को बहादुर पर विश्वास हो गया था। वे जानते थे कि बहादुर ने पैसे नहीं चुराए, अतः वे सभी अपने द्वारा किए गए अत्याचारों के लिए पश्चाताप करने लगे। अब आइए इस कहानी का उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य क्या है? कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित कहानी बहादुर एक मध्यम वर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों के द्वारा किए जाने वाले अत्यधिक कठोर एवं असभ्य व्यवहार की कहानी है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष, शोषितों के प्रति प्रेम एवं मानवता व्यवहार, मानवता का व्यवहार, ऊंच नीच के भेद के कारण उत्पन्न तनाव और संघर्ष का चित्रण है। आधुनिक समाज झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास रखता है। लेखक निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति दिखाते हैं, मध्यम वर्ग के लोगों की वास्तविकता को समझाया है। बहादुर मानवीय स्नेह और संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने पर जब वह घर छोड़ता है तो सभी भूल स्वीकारते हैं और पश्चाताप करते हैं। लेखक का उद्देश्य अमीर और गरीब का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं हैं, दोनों वर्गों के हृदय का परिवर्तन होना है। यह सबके प्रति सहानुभूति के व्यवहार का संदेश देता है। यह कहानी का सारांश और उद्देश्य आप अपने कॉपी में यथावत लिखिएगा और अपनी पाठ्य पुस्तक से कहानी एक बार अवश्य पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।